बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं जिनसे दूसरे लोगों को फ़ायदा हासिल हो। इस हदीस के तहत एक छोटा सा इलाज अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो कि एक मूजी जानवर के काटने से बंदे को तकलीफ़ होती है। अगर किसी मेरी बहन को, अगर किसी मेरे भाई को ये जानवर काट जाए तो वो इलाज, वो टोटका क्या है, तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब किसी को कोई भेड़ यानी पीले किस्म का एक ख़ास डेंगू होता है, जिसके काटने से बड़ा शदीद दर्द भी होता है और सूजन भी हो जाती है, और अगर किसी को शहद की मक्खियों में से कोई मक्खी काट जाए तो उसका इलाज क्या है, तो अगर किसी मेरी बहन को, किसी मेरे भाई को इन जानवरों में से कोई जानवर काट जाए तो उसी जगह पर फौरन आप टूथपेस्ट, जो कि हम दांत साफ़ करने के लिए पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, उस पेस्ट का उसी मकाम पर, चाहे चेहरा हो चाहे हाथ हो, उसी जगह पर फौरन से लेप दे दें, तो इंशाअल्लाह ना दर्द होगा ना सूजन होगी। अल्लाह ताला तमाम लोगों को, तमाम मुसलमानों को हर किस्म के मूजी जानवर से अपनी हिफ्ज़ अमान अता फरमाए। आमीन।